In this session, we are going to know the steps of pranayama. Step number one, sit calmly on a mat and close your eyes. You can see in this picture, the boy is sitting on a mat and you have to close your eyes. Step number two, put left ankle on the right thigh. You have to put your right ankle Sorry, put your left ankle on the right thigh. अपने बाएं अंगूठे को बाएं पंजे को दाएं थाई पर रखना है. Step number three. Now put right ankle on the left thigh. As given in the picture, this posture is called Padmasan. It is important to be learned that this posture sitting in this way is called Padmasan. The boy is doing Padmasan. In the beginning, you may find it slightly difficult to sit in this pose. Don't worry, with a little practice, you will learn it. Gradually, you will be able to do it very commonly, very easily also. Step number four, press your right nostril with your right hand. Press your right nostril. अपने दाएं नथुने को सीधे हाथ के अंगूठे से दबाना है एंड ब्रीद इन स्लोली फ्रॉम द लेफ्ट नॉस्ट्रिल और सांस लेना है बाएं तरफ के नथुने से बाएं तरफ के नॉस्ट्रिल से. डू दिस टिल योर लंग्स आर फुल और तब तक सांस लेना है जब तक कि आप पूरा न ले सकें आपके लंग्स पूरे फिल हो जाएं. दिस प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग इन इज कॉल्ड पूरक और इस तरह से सांस लेना इनहेल करना ये पूरक कहलाता है. यू हैव टू प्रेस योर राइट नॉस्ट्रिल विद योर राइट हैंड थंब. सीधे हाथ के नथुने को सीधे हाथ के अंगूठे से दबाना है और बाएं तरफ के नथुने से लॉन्ग ब्रीदिंग करना है लंबा सांस लेना है. स्टेप नंबर फाइव, होल्ड योर ब्रीद ऑफ 5 to 10 सेकेंड्स और ओनली एज लॉन्ग एज योर कम्फर्टेबली कैन और तब तक आपको सांस लेना है जब तक आप कंफर्टेबली कर सकते हैं. शुरुआत में इसको आप 5 से 10 सेकंड तक कर सकते हैं. दिस प्रोसेस ऑफ होल्डिंग ब्रीथ इज कॉल्ड कुंभक और इस तरह से अपने सांस को रोके रखना ये कुंभक कहलाता है. नाउ क्वेश्चन आंसर, विच स्टेप ऑफ प्राणायाम इज कॉल्ड पद्मासन. टू सिट in the posture with closed thighs and thumbs is called Padmasan. The third step is called Padmasan. Number two, what is Purak? The process of breathing in is called breathing in means sans andar lena. The process of breathing in is called Purak. How long should one hold one's breath for 5 to 10 seconds? इन बिगनिंग शुरुआत में 5 से 10 सेकंड तक रखा जाए सांस को रोककर और उतना जब तक कि आप कंफर्टेबली कर सकते हैं. नाउ व्हाट इज कॉल्ड द प्रोसेस ऑफ होल्डिंग ब्रेथ. ब्रेथ को सांस को रोके रखना कहलाता है कुंभक. दिस इज नंबर 5. स्टेप 6. नाउ रिलीज द थंब एंड क्लोज द लेफ्ट नॉस्टिल विद योर राइट फिंगर देन ब्रीद आउट slowly through your right nostril. और अब हमें इस स्टेप में सीधे हाथ की अंगुली से ही लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करना है और धीरे धीरे सांस छोड़ना है सीधे तरफ के नथुने से सीधे नॉस्ट्रिल से हमें सांस छोड़ना है रिलीज करना है. द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग आउट इज कॉल्ड रेचक. स्टेप नंबर 7. नाउ ब्रीद इन फ्रॉम द राइट नॉस्ट्रिल. होल्ड योर ब्रेथ अगेन. अब दोबारा सांस लेकर हमें होल्ड करना है यानी पूरक करना है. होल्डिंग ऑफ ब्रेथ इज कॉल्ड कुंभक. सांस अंदर लेना इनहेल करना ये कहलाता है पूरक और सांस लेने के बाद उसको रोके रखना यह है कुंभक और रिलीज करना
एक्सहेल करना, दिस इज कॉल्ड रेचक. होल्ड योर ब्रेथ अगेन. स्टेप नंबर 9. नाउ प्रेस द राइट नोस्टिल विद थंब एंड ब्रीद आउट फ्रॉम लेफ्ट नोस्टिल. स्टेप नंबर 10. यू मे स्टार्ट विद 5 राउंड्स. शुरुआत में आप 5 राउंड कर सकते हैं इसे एंड इंक्रीज इट अप टू 15 to 20 राउंड्स. शिवम एंड नितिन वर हैप्पी टू हैव लर्न्ड प्राणायाम. और शिवम और नितिन स्टेप्स सीखकर, प्राणायाम के स्टेप सीखकर खुश थे. दे थैंक्ड द योगा टीचर एंड डिसाइडेड टू कम टू द पार्क एंड अटेंड द योगा क्लास डेली. नाउ क्वेश्चन, द 6th स्टेप ऑफ प्राणायाम इज पूरक, कुंभक, रेचक और नन ऑफ दीज. द करेक्ट आंसर इज सी, रेचक. टू ब्रीद आउट इज द 6th स्टेप ऑफ प्राणायाम. क्वेश्चन नंबर 2. वॉट इज रेचक इन प्राणायाम. द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग आउट इज कॉल्ड रेचक. मैंशन द 7th स्टेप ऑफ प्राणायाम. ब्रीद इन फ्रॉम द राइट नोस्टिल. ब्रीद इन, याद रखे ये वर्ड जो फ्रिक्वेंटली आ रहा है, BREATHE. अगर THE है इट विल बी प्रोनाउंस ब्रीद. दिस इज वर्ब एंड देर इज, इफ देर इज नो ई आफ्टर एच यू विल प्रोनाउंस इज ब्रेथ. इट विल बिकम अ नाउन. सो ब्रीद इन फ्रॉम द राइट नोस्टिल इज द 7th स्टेप ऑफ प्राणायाम. रेस्ट वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट.